हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 300 वॉट के लोड के लिए सोलार सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाए। जैसे कि दोस्तों, जहां पे दो रूम वाले घर होते हैं वहां पे नॉर्मली 300 वॉट के आसपास का ही लोड होता है। तो 300 वॉट के लोड के लिए कितने साइज का इन्वर्टर लगेगा, कितने साइज की बैटरी लगेगी और टोटल कितने वॉट का सोलर पैनल लगेगा और कौन से साइज का पैनल बेस्ट रहेगा, तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 300 वॉट में कौन कौन से लोड चला सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि कंसीडर कर लीजिए कि दो फैन है जो कि 80 वॉट का है, दो एलईडी लाइट है जो कि 25 वॉट की है, एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट नॉर्मली 40 वॉट की होती है, और एक एलईडी टीवी है। एलईडी टीवी नॉर्मली दोस्तों 30 से 40 वॉट की भी होती है, कोई कोई 50 वॉट की भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लें 50 वॉट की। तो अभी हम लोग टोटल कर लेते हैं इसको। अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 300 वॉट। दोस्तों नॉर्मली एक छोटे घर में इतने ही लोड होते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट किया 300 वॉट आया। तो 300 वॉट के लिए अभी हम लोग देखेंगे कि यूपीएस या तो अगर इन्वर्टर लेते हैं तो हम कितने वॉट का लगेगा, हमारी जो बैटरी रहेगी वो कितने एएच की लगेगी, और हमारे जो सोलार पैनल है मतलब हमारे जो सोलार प्लेट्स हैं वो कितने लगेंगे और कितने वॉट के लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टर का क्या साइज लेना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो लोड है वो कितना है, 300 वॉट। तो हमारा लोड 300 वॉट होने की वजह से हम 300 वॉट का ही खाली इन्वर्टर नहीं ले सकते, हमें ज़्यादा बड़े कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो जैसा कि 500 वॉट के भी इन्वर्टर आते हैं, लेकिन लोकल कंपनी का 500 वॉट का इन्वर्टर लेना अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। हो सकता है कि हमारा फ्यूचर में कुछ लोड बढ़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 800 वॉट से लेके 1000 वॉट के बीच का हम लोग इन्वर्टर लेंगे। तो कभी भी इन्वर्टर या तो यूपीएस अगर हम लोग बाय करते हैं तो वो 800 वॉट से लेके 1000 वॉट के बीच का बाय करेंगे, लेकिन वो ब्रांडेड कंपनी का बाय करेंगे दोस्तों, लोकल कंपनी का बाय नहीं करेंगे। जैसे कि लुमिनस हो गया, माइक्रोटेक हो गया, एक्साइट हो गया, तो किसी अच्छी कंपनी का ही हम इन्वर्टर बाय करेंगे, लोकल कंपनी का बाय नहीं करेंगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो 300 वॉट का लोड है उसके लिए डीसी करंट कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा। डीसी के लिए पावर का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो हमारा पावर कितना है मतलब लोड कितना है, 300 वॉट। हमारा वोल्टेज कितना रहेगा दोस्तों, जैसे कि हम 12 वोल्ट की बैटरी कंसीडर कर लेते हैं और 12 वोल्ट का इन्वर्टर कंसीडर कर लेते हैं, तो वोल्टेज कितना रहेगा, 12 रहेगा। करंट हमें पता नहीं है, आई को इधर पे रखेंगे, 300 डिवाइड बाय 12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आई मिलेगा 25 एम्पियर। मतलब दोस्तों हमारा जो 300 वॉट का लोड है जो कि एसी लोड है, उसको चलाने के लिए हमें 25 एम्पियर डीसी करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि 300 वॉट के लिए हमें कितने साइज की बैटरी को सिलेक्ट करना है। दोस्तों बैटरी का साइज कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, W मल्टीप्लाई बाय H डिवाइड बाय V। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं, W फॉर टोटल लोड, H फॉर बैकअप टाइम इन आवर्स, डिवाइड बाय बैटरी वोल्टेज। तो दोस्तों हमारा लोड कितना था, 300 वॉट। बैकअप टाइम आवर्स मतलब हमें कितने देर तक का बैकअप चाहिए, जैसे कि लाइट चली जाए तो हमारी बैटरी के ऊपर कितने देर तक हमारा लोड चलना चाहिए। तो पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि 8 आवर्स मतलब 8 घंटे तक हमारा लोड बैटरी के ऊपर चल जाए। और हमारे दोस्तों बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, 12 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 2400 डिवाइड बाय 12, इसको भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा 200 AH। मतलब 8 घंटे का अगर हमें बैकअप चाहिए तो हमें 200 AH की बैटरी लेनी पड़ेगी। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि मुझे 8 घंटे का बैकअप नहीं चाहिए, मुझे 6 ही घंटे का खाली बैकअप चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, सेम फॉर्मूला 300, क्योंकि लोड हमारा सेम ही है 300 है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि 6 घंटे का खाली बैकअप चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, वापस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1800 डिवाइड बाय 12, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा
150 AH। मतलब दोस्तों 300 वॉट के लोड के लिए अगर हमें 6 घंटे का बैकअप देना है तो हमें 150 AH की बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हमें 8 घंटे का बैकअप देना है तो हमें 200 AH की बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा। 200 AH की बैटरी अप्रॉक्स 15,000 से 16,000 के बीच में मिल जाती है, और वहीं पर 150 AH की बैटरी 9,000 से 10,000 के बीच में मिल जाती है। बैटरी के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि लीड एसिड बैटरी, ड्राई बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी। दोस्तों नॉर्मली हम लोग ट्यूबुलर बैटरी का ही यूज़ करते हैं, ड्राई बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो बहुत ही महंगी आती है, इसके लिए हम लोग ट्यूबुलर बैटरी का ही यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि हमारा जो बैटरी है वो मुझे 8 घंटे तक का बैकअप दे, तो 8 घंटे तक के बैकअप के लिए हमें कितने साइज़ का बैटरी यूज़ करना पड़ेगा, 200 AH की। दोस्तों हम लोगों ने 200 AH की बैटरी को अब सिलेक्ट कर लिया है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस 200 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब कितने करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बैटरी का चार्जिंग करंट पता करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, बैटरी साइज डिवाइड बाय 10। तो हमारी जो बैटरी है वो कितने साइज की है, 200 AH की है, डिवाइड बाय 10 करेंगे उसको तो हमें आंसर मिलेगा 20 एम्पियर। दोस्तों ये डिवाइड बाय 10 इसलिए किया गया है कि हमारी जो बैटरी है वो धीरे धीरे चार्ज होनी चाहिए, अगर वो ज़्यादा फास्ट चार्ज होगी तो उसकी वजह से हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो हमें जो चार्जिंग करंट है वो ऐसा सिलेक्ट करना है कि बैटरी धीरे धीरे चार्ज होनी चाहिए। तो हमारी 200 AH की बैटरी के लिए हमें 20 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल होगा उसका करंट कितना होना चाहिए कि वो बैटरी को भी चार्ज कर सके और साथ ही साथ हमारे लोड को भी चला सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी चार्जिंग का जो करंट है प्लस हमारे जो घर का लोड है उसका जो करंट है दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा चार्जिंग करंट कितना है, 20 एम्पियर, और जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था कि हमारा जो घर का लोड है उसके लिए 25 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 25। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 45 एम्पियर। मतलब हमें ऐसा सोलर पैनल सिलेक्ट करना है जो कि हमें 45 एम्पियर करंट दे। तो अभी हम लोग वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कितने वॉट का सोलर पैनल लगेगा। तो दोस्तों पावर का फॉर्मूला क्या है, V×I, और दोस्तों हमारा करंट कितना था, 45 एम्पियर। बट दोस्तों जो वोल्टेज है वहां पर ही मेन प्रॉब्लम आती है, जैसे कि दोस्तों मार्केट में जो पैनल अवेलेबल है, जैसे कि 125 वॉट का जो पैनल है उसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। बट दोस्तों ये प्रैक्टिकली 12 वोल्ट नहीं रहता है, जैसे पैनल को हमने ओपन करके रखा है मतलब उसका जो दो वायर है प्लस एंड नेगेटिव का उसको हमने किधर भी कनेक्ट करके नहीं रखा है, तो वहाँ पे हमें 18 वोल्ट से लेके 21 वोल्ट के आसपास मिलता है। वहीं पे उस वायर को हमने किधर कनेक्ट करके रखा है तो वहाँ पे हमें 14 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट के आसपास मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल है उसका क्लोज लूप सर्किट वोल्टेज कितना होगा, 14 वोल्ट होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 630 वॉट। मतलब दोस्तों हमारे घर पे जो 300 वॉट का लोड है उसको चलाना साथ में बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 630 वॉट के सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसा कि अभी हमें पता चल गया है कि हमें 630 वॉट के सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट है, बट दोस्तों मार्केट में 630 वॉट के सोलर पैनल नहीं आते हैं। कितने कितने वॉट के सोलर पैनल आते हैं, जैसे कि 125 वॉट का सोलर पैनल आता है, 180 वॉट का सोलर पैनल आता है, 375 वॉट का भी सोलर पैनल आता है, अभी तो एक और नया सोलर पैनल आ गया जो कि 440 वॉट का भी है। तो हमें कितने वॉट का सोलर पैनल लेना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग वॉट के सोलर पैनल आते हैं, अगर हम 125 वॉट का सोलर पैनल कंसिडर करते हैं तो वो जो सोलर पैनल का आउटपुट है वो 12 वोल्ट का होता है, और अगर हम 180 वॉट का सोलर पैनल कंसिडर करते हैं तो उसका आउटपुट भी 12 वोल्ट का होता है, बट वहीं अगर हम लोग 375 वॉट का सोलर पैनल कंसिडर करते हैं तो उसका आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग 12 वोल्ट वाली बैटरी का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल नहीं ले सकते, तो हमारे पास खाली अब दो ही ऑप्शन रह गया, या तो हम 125 वोल्ट वाला सोलर पैनल लें या तो 180 वाला लें। तो मैं दोस्तों यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि मैं 125 वोल्ट वाला सोलर पैनल यूज करूंगा, तो कितना सोलर पैनल लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा लोड है 630 डिवाइड बाय, मैं जैसे कि यहाँ पे कितने वॉट का सोलर पैनल यूज कर रहा हूँ, 125 का, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5.0.4।
दोस्तों अगर मैं 125 वॉट वाले सोलर पैनल यूज करता हूं तो मुझे टोटल कितने सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे? 5 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोगों ने 180 वॉट वाला सोलर पैनल यूज किया होता तो वहां पे हमें 4 सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट पड़ती और साथ ही हमारा थोड़ा लोड कैपेसिटी भी बढ़ जाता। बट यहाँ पे मैं 125 वॉट वाला सोलर पैनल यूज कर रहा हूँ तो हमें 5 सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों घर के 300 वॉट के लोड के लिए हमें इन्वर्टर कितने साइज का लगाना चाहिए? 800 वाट से लेके 1000 वाट के बीच का लगाना चाहिए। हमारी जो बैटरी होगी वो 200 एएच की बैटरी का यूज करेंगे और हमारा जो सोलर पैनल होगा वो हम लोग 5 सोलर पैनल का यूज करेंगे जो कि 125 वॉट का है। दोस्तों यूपीएस कैसे काम करता है, इन्वर्टर कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। आप लोगों को अपना नॉलेज इंप्रूव करना होगा तो ये वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कौन सी कंपनी का सोलर पैनल सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी का बैटरी लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लेना चाहिए। तो ये सब जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।